अब हम देखेंगे कि वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में समझते हैं। इन्होंने ये कहा था, दिस लॉ सजेस्ट दैट द वेव लेंथ करस्पॉन्डिंग टू विच द एनर्जी एमिटेड बाई अ ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि जो भी ब्लैक बॉडी कोई भी रे बाहर की ओर एमिट करती है उसका जो वेव लेंथ है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। बस इतना समझ लो कि एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, इस ब्लैक बॉडी ने बाहर की ओर वेव्स निकाले, ठीक है, बाहर की ओर एनर्जी निकाला, ठीक है। अब जो एनर्जी ये वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, इस वेव का जो वेवलेंथ होगा, इस वेव का वेवलेंथ होगा जो कि ब्लैक बॉडी के द्वारा निकला गया है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये चीज़ था वेन्स लॉ के अंदर।